सुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। नेपाल की राजनीति में ओली के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीनी राजदूत काफी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रचंड ने जो कह दिया है उसके बाद और भी ज्यादा बवाल मच गया है। तो वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान अब भारत को देने वाले हैं बड़ा धोखा। और क्या ईरान भारत के साथ कोई बड़ा गेम कर रहा है? ईरान ऐसा क्या करने वाला है जो भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल की राजनीति में उथल पुथल अभी भी मची हुई है। वैसे तो कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रचंड और ओली के बीच मांडवली हो गई है और ओली की कुर्सी बच जाएगी और चीन अपनी कोशिश में सफल हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रमुख विरोधी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने साफ कर दिया है कि अभी पार्टी टूटने की आशंका खत्म नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम ओली के कहने पर कुछ लोगों ने देश के निर्वाचन आयोग के पास एक नई पार्टी को रजिस्टर्ड कराया है और इससे पहले पार्टी के बीच पैदा हुए संकट को खत्म करने के लिए चीनी राजदूत ने ताबड़तोड़ बैठकें की थी, जिससे अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद कुछ सुलह भी हो जाए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अस्थायी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ओली के धड़े और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के खेमे के बीच के मतभेदों को दूर नहीं किया जा सका है। इसी बैठक के कुछ दिन बाद प्रचंड ने यह बयान दिया है। पुष्प दहल ने यहाँ तक कह दिया है कि जो भी संकट हो रहा है वह पीएम ओली की व्यवहार की वजह से हो रहा है। दहल ने कहा कि बातचीत के बावजूद पार्टी के दूसरे चेयरमैन के कहने पर निर्वाचन आयोग में सीपीएन यूएमएल नाम की पार्टी रजिस्टर कराई गई है, जिससे हमारी पार्टी संकट में है। इलेक्शन कमीशन में सीपीएन यूएमएल नाम की पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 जुलाई को आवेदन दिया गया था। यह आवेदन संध्या तिवारी के नाम से दिया गया था। पीएम ओली पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए दहल ने कहा कि उन्होंने अपने पक्ष में छात्रों और पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन कराए। हम पार्टी के अंदर चर्चा कर रहे थे, लेकिन देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। दहल और पार्टी के सीनियर नेता माधव कुमार नेपाल के ओली का इस्तीफा मांगने के बाद से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि बातचीत के बाद पार्टी के अंदर मतभेद पटते नजर आने लगे थे। कहा जा रहा था कि पीएम ओली और प्रचंड के बीच एक सीक्रेट डील हुई है, जिसके तहत आने वाले कुछ दिनों में नेपाली कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। इस दौरान प्रचंड गुट के कई नेताओं को कैबिनेट में मलाईदार पद मिलने की संभावना भी बताई गई थी। और 28 जुलाई को होने वाली पार्टी के अस्थायी समिति के बैठक के बाद हो सकता है कि ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे फैसले लें। नेपाल की राजनीति में पैदा हुए संकट के बाद चीन की राजदूत हाओ यानकी ने देश के सभी बड़े नेताओं के साथ खूब बैठकें करी। यानकी को पीएम ओली का करीबी तो माना ही जाता है। इस बीच उन्होंने माधव नेपाल से लेकर राष्ट्रपति विद्या भंडारी तक मुलाकात कर ली। यहाँ तक कि उनसे मिलने से बचते रहे दहल भी आखिरकार बैठक करने के लिए राजी हो गए। इसे लेकर देश में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चीनी राजदूत का नेपाल की राजनीति में इतना दखल क्यों है, लेकिन चीन के दूतावास ने उनके बैठकों का समर्थन किया है और कहा है कि चीन चाहता है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर मतभेद सुलझ जाए। भारत और ईरान के बीच जब से चीन आया है, ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़ा खेल चलने लगा है। पहले तो ईरान की तरफ से ऐसे बयान आए कि रेलवे परियोजना से भारत को बाहर निकाल दिया गया है, और उसके बाद जब बवाल उठा तो उन्होंने यह सफाई दी कि रेलवे परियोजना का भारत कभी हिस्सा ही नहीं था। और उसके बाद मंत्री ने ये आकर अचानक से कह दिया कि ये सारी खबरें अफवाह है, साजिश है, भारत हमेशा से ईरान का दोस्त रहा है और चाबहार प्रोजेक्ट से वह कभी बाहर नहीं होगा, वह जब तक है तब तक रहेगा, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वह थोड़ा सा संशय पैदा कर रहे हैं। आखिर भारत को चाबहार प्रोजेक्ट में रखना क्या ईरान की मजबूरी है? भारत से लद्दाख में सीमा विवाद और अमेरिका से कोरोना से लेकर दक्षिण चीन सागर तक कई मुद्दों पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने वाला चीन के साथ ईरान की नजदीकी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर भारत की अमेरिका से करीबी उसे रास भी नहीं आ रही है। इस बीच भले ही उसने चाबहार जहेदान रेलवे प्रोजेक्ट से भारत को हटाने की खबरों का खंडन कर दिया हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे भी एक राजनीति है। दरअसल तेहरान यह झटका देकर अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों पर भारत को मिलने वाले छूट का फायदा उठाना चाह रहा है।
वैसे आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से भारत को छूट है चाबहार में विकास करने के लिए। यही वजह है कि ईरान को अभी फिलहाल तो किसी भी कीमत में भारत को रखनी पड़ेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान चीन के साथ 400 अरब डॉलर की डील कर रहा है, जबकि वह इस बात से नाराज है कि भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों का पालन करते हुए ईरान से ऊर्जा आयात को रोक दिया है। उसका यह भी कहना है कि चाबहार में भारत दिलचस्पी नहीं ले रहा है। हालांकि बाद में ईरान ने इन खबरों को अफवाह बताया और चीन से अपनी नजदीकी के बावजूद साफ तौर पर भारत से कभी भी अपनी तल्खी जाहिर नहीं करी। इस बात की संभावना पहले भी जताई जा रही है कि तेहरान यानी कि ईरान और नई दिल्ली के बीच 2026 में जैसे ही 10 साल का चाबहार समझौता पूरा होगा, चीन इसको अपने बीआरआई के तहत ले लेगा। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान एक साथ चीन और भारत के बीच संतुलन कैसे बनाए, क्योंकि अभी उसे भारत से मदद चाहिए। 2026 के बाद भले ही वह चाबहार को चीन के साथ करने लगे और भारत को उस वक्त निकाल के फेंक दे, लेकिन इस वक्त ईरान को एक संतुलन बनाने की जरूरत है। भारत के उसके विरोधियों अमेरिका और इजराइल के साथ बेहतर संबंध है, जबकि चीन के साथ उनका संबंध तनावपूर्ण है। ईरान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये मानता है कि सेफ पैसेज के लिए चीन और भारत से एक साथ व्यापार करना चाहिए, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो भारत सरकार के संबंधों के पक्ष में है ही नहीं। तेहरान का भारत के चाबहार प्रोजेक्ट से जुड़े होने की वजह से अमेरिका ने प्रतिबंधों में छूट दे रखी है। कोरोना के बीच ईरान के लिए यह एक निवेश का मौका है जिससे उसे राहत मिली है। ऐसे में ईरान यह नहीं चाहेगा कि भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो, क्योंकि इससे प्रतिबंधों में छूट भी हाथ से जा सकती है। हालांकि ईरान में एक धड़ा ऐसा है जो मानता है कि अगर भारत से ईरान को फायदा नहीं हो रहा है तो दोनों के बीच संबंध रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वैसे आपको बता दें, जनवरी से पहले ईरान के कमांडर कासिम सुलेमान भारत से मजबूत रिश्तों के पक्षधर थे, और वैसे कहा जाता है कि आज भी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स उनकी नीतियों का पालन कर रहे हैं। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता है। भारत के खिलाफ अपनी युद्धक तैयारियों को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस पर JF-17 फाइटर को तैनात किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एलओसी के पास स्थित अपने 4 एयरबेसों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। लद्दाख के बेहद नजदीक इस एयरबेस का उपयोग पाकिस्तान के साथ चीनी एयरफोर्स भी करती है। ऐसे में भारत के लिए चीन के साथ ही पाकिस्तान के मोर्चे पर भी चिंता बढ़ गई है। शनिवार को पाकिस्तानी मीडिया में एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ मुजाहिद अनवर खान इस एयरबेस का दौरा कर ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लेते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इस इलाके में हाई एल्टीट्यूड एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कर रहा है। ऐसे में उसने बड़ी संख्या में फाइटर जेट एयरफोर्स कर्मचारियों को तैनात करा है। रणनीतिक रूप से पीओके के स्कर्दू में स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के इस एयरपोर्ट का बड़ा महत्व है। यहाँ से श्रीनगर और लेह की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है। यहाँ से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि सीमा पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस को वे भेद नहीं सकते हैं। स्कर्दू के इस नए एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। पाकिस्तान यहां से चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी निगरानी करना चाहता है। वैसे आपको बता दें, स्कर्दू में पाकिस्तान का सिविल एयरपोर्ट पहले से ही मौजूद है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि सीपीसी की सुरक्षा के लिए पीओके में स्थित इस एयरबेस का इस्तेमाल चीनी वायुसेना भी कर सकती है। इससे भारत की सुरक्षा संबंधी चिंता बढ़ गई है। हालांकि पाक की हर चाल पर भारतीय खुफिया एजेंसियां अपनी बहुत ही कड़ी नजर बना के रखी हुई है। बांग्लादेश के एक अखबार ने दावा किया है कि पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय उच्चायुक्त के कई दरखास्तों के बावजूद मुलाकात नहीं की है। भोरेर कागोज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2019 में शेख हसीना के दोबारा पीएम बनने के बाद सभी भारतीय प्रोजेक्ट धीमे हो गए हैं, जबकि ढाका के चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। अखबार के संपादक का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की ओर झुकते बांग्लादेश ने एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया, जबकि भारत की तरफ से इसके लिए चिंता व्यक्त की गई थी।
भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली पिछले 4 महीने से बांग्लादेश की पीएम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिल नहीं सकती। बांग्लादेश ने कोरोना से निपटने में मदद के लिए भारत को धन्यवाद भी नहीं बोला। सिलहट भारत के उत्तर पूर्व की सीमा पर सटा है और काफी संवेदनशील माना जाता है। यहाँ एमएजी ओस्मानिया एयरपोर्ट बनाने का ठेका बांग्लादेश ने चीन की कंपनी को दिया है। वहीं यह जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई है जब बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत करी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 15 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत हुई।